Hey guys, welcome back to my channel. I'm again here with a new video of class 7th with chapter 3 rational numbers. We had already done exercise 3.1 and exercise 3.2 question number 1 to 4. Now we are going to start our new question number 5. ठीक है जी, तो 5th question से start कर रहे हैं. Question 5th क्या कहता है? Fill in the boxes with the correct symbol out of this, this और इक्वल टू. ठीक है, ये तीन साइन है, इन तीनों को आपको फिल करना है जो भी सूटेबल है. ठीक है, फर्स्ट पार्ट है जैसे -4/5, ये बॉक्स बना रखा है, और दूसरा है -5/7. ठीक है, इन दोनों में से फिल करना है आपको कि कौन सा साइन, तीनों में से कौन सा साइन ठीक है. अब देखिए, सबसे पहले ये देखेंगे कि बड़ा छोटा देखना है ना कौन सा है. तो ये देखो दोनों साइन कैसे हैं, दोनों कैसे नंबर्स हैं, माइनस वाले. एक बात तो क्लियर हो गई, तो दोनों हैं माइनस वाले. ठीक है, अब देखिए हमें क्या करना होता है, हमें डिनोमिनेटर को सेम बनाना होता है. तो डिनोमिनेटर इसका कितना है 5, इसका कितना है 7. तो क्या करें, इसको तो मल्टीप्लाई कर दें इसके डिनोमिनेटर से यानी कि 7 से, इसको किससे कर दें इसके डिनोमिनेटर यानी कि 5 से. ठीक है, तो हमने क्या किया, -4/5 को 7 से मल्टीप्लाई कर दिया. अब ऊपर और नीचे दोनों साइड करना पड़ेगा. सेम यहाँ पे -5/7 को 5 से मल्टीप्लाई कर दिया ऊपर और नीचे. तो यहाँ पे क्या बनेगा, ये -28, 7 4 जा 28 होता है, माइनस का साइन एज इट इज, 5 7 जा 35. यहाँ से 5 5 जा 25 और 7 5 जा 35. इतना समझ आ गया बच्चों सबको? तो देखो 35 35, नीचे वाली तो टर्म सेम है. ऊपर देखो, ये तो है माइनस का 28, ये है माइनस का 25. सबको पता है बच्चे कि माइनस में जो चीज छोटी होती है वो बड़ी होती है. ठीक है, तो यहाँ पे हमारा नंबर यानी कि -25 वाला नंबर कैसा हो गया, बड़ा. तो अगर ये नंबर बड़ा है तो यानी कि ये नंबर बड़ा है, ये नंबर अगर बड़ा है तो यहाँ पे कैसा साइन लग जाएगा, ये वाला. ठीक है, समझ आ गया यहाँ तक सबको? देखो एक दो एग्जांपल से समझा देती हूँ मैं. जैसे मान लो एक नंबर है -10, एक है माइनस का 8. तो बच्चे बड़ा नंबर कौन सा होगा, अगर दोनों पे माइनस का साइन है ना, तो इनमें से जो छोटा नंबर है, छोटा कौन है, 8, वो एक्चुअल में क्या होता है, बड़ा. ठीक है, वैसे अगर 8 और 10 की बात करें तो सबको पता है कि 10 बड़ा है, लेकिन अगर इन पे माइनस साइन होता है तो ये रिलेशन चेंज हो जाता है हमारा. ठीक है, जो छोटा होता है ना माइनस में वो बड़ा होता है वैसे रियलिटी में. तो ये तो था हमारा फर्स्ट पार्ट. अब मैं ऐसे एक और करा देती हूँ, फिर आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि करना क्या है हमें क्वेश्चंस में इसका. चलिए हम सेकंड पार्ट कर लेते हैं. क्या दे रखा है, -8/5 ये बॉक्स बना रखा है, और -7/4. तो देखिए फिर से वही, नीचे इसका डिनोमिनेटर क्या है 5, इसका क्या है 4. सेम बनाने के लिए क्या करेंगे, इसको तो 4 से, इसको 5 से मल्टीप्लाई. तो देखो -8/5 को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया ऊपर नीचे, -7/4 को किससे कर दें 5 से कर दिया. तो देखो 8 4 जा क्या होता है 32, नीचे से क्या बन जाएगा 20, माइनस साइन एज इट इज. यहाँ से क्या आ जाएगा हमारा 7 5 जा 35, 5 4 जा 20, साइन कैसा है माइनस. तो देखो डिनोमिनेटर तो सेम हो गया इनका, इसका न्यूमिनेटर क्या है 32, इसका क्या है 35. वैसे तो 32 छोटा है लेकिन साइन कैसा है इस पे माइनस, ये भी कैसा है माइनस. तो एक्चुअल में माइनस वाला क्या होता है, बड़ा. यानी कि ये जो नंबर है ये कैसा हो गया, बड़ा. यानी कि पहले वाला नंबर कैसा है, बड़ा. अगर जो भी बड़ा होता है उसी साइड ये खुल जाता है, ठीक है, ये ओपन उसी साइड होता है. तो ये साइन आ जाएगा हमारा, इसको क्या बोलेंगे, ग्रेटर देन. तो -8/5 इज ग्रेटर देन -7/4. ठीक है जी, बाकी सारे पार्ट्स बिल्कुल सेम हैं, वो आप खुद से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी. एक बार मैं थर्ड पार्ट करा देती हूँ क्योंकि उसमें थोड़ा सा आपको समझाने की चीज एक रहती है. जैसे कि थर्ड पार्ट की स्टेटमेंट है -7/8, ये बॉक्स बना रखा है, यहाँ पे लिखा हुआ है 42/-48. तो देखो सबसे पहले ये देखो नंबर कैसे हैं, देखो इस पे भी माइनस का साइन है, इस पे भी माइनस का साइन है, ऊपर हो चाहे नीचे हो माइनस 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 ही रहेगा. ठीक है, तो ये भी माइनस है, ये भी माइनस. ठीक है, फिर देखिए इसका डिनोमिनेटर तो है 8, इसका है 48. अब मैं 8 को किससे मल्टीप्लाई करूं कि 48 बन जाए, 8 को 6 से करना पड़ेगा ना, 48 को किसी से करने की जरूरत ही नहीं क्योंकि ये तो है पहले से 48 है. तो इसको मैं क्या कर लूं, 48 बनाने के लिए 6 से मल्टीप्लाई कर दूं. ठीक है, अब देखो जो पिछले पार्ट्स थे, जैसे -8/5 था, एक था -7/4, इनमें हमने ऐसा क्यों नहीं किया, क्योंकि देखो 5 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करके हम 4 नहीं बना सकते, है ना. तो अगर हम डिनोमिनेटर जैसे यहाँ पे दे रखा है, अगर बन सकता है हमारा तो सिर्फ एक ही को मल्टीप्लाई कर लेंगे, लेकिन अगर नहीं बन सकता तो फिर दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, -7/8 को 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर नीचे. 7 6 जा क्या होता है 42, 8 6 जा क्या होता है 48. साइन माइनस का ही रहेगा, यहाँ पे क्या आ गया 42/48. नीचे माइनस का साइन है, लेकिन नीचे हो माइनस का साइन या ऊपर हो, बात तो एक ही होती है. अब देखो 42/48, 42/48, ये भी माइनस, ये भी माइनस, दोनों सेम है, सेम है तो कौन सा साइन आ जाएगा, इक्वल्स टू वाला. ठीक है जी,
नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रखा है इसने. अरेंज द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर. हमें क्या करना है, असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है. तो सबसे पहले मैं एक ही पार्ट कराऊंगी आपको, सेकंड आप खुद से करेंगे. तो देखिए इसमें क्या गिवन है हमें, -3/7, दूसरा है -3/2 और नेक्स्ट है -3/4. ठीक है, देखिए असेंडिंग ऑर्डर में लगाने के लिए, असेंडिंग में लगाना है चाहे डिसेंडिंग में, तो हमें क्या करना होता है, हमें सबसे पहले डिनोमिनेटर को सेम बनाना है. समझ आ गई बात. तो सबका डिनोमिनेटर सेम बनाना है. अब सबका डिनोमिनेटर सेम बनाने के लिए हमें सबका क्या निकालना पड़ेगा, एलसीएम निकालना पड़ेगा. ठीक है, तो एलसीएम कैसे निकालते हैं किन्हीं भी नंबर्स का, सबको यहाँ पे लिख लीजिए. ठीक है, और यहाँ पे ऐसा साइन बना दीजिए, कर रखा है ना सबने ये, बस आपको हो सकता है नाम से याद ना आए कि एलसीएम कैसे निकालते थे. तो देखिए ऐसे लिख के सारे नंबर्स को, फिर एक कॉमन नंबर ढूंढिए जिससे सारे डिवाइड हो जाएं. देखो 7 तो किसी से भी नहीं होगा, 7 तो अकेला 7 से होगा, तो पहले इसको 7 से ही कर लो. यहाँ पे तो क्या आ जाएगा, 1. ये दोनों डिवाइड नहीं होंगे, डिवाइड नहीं होते तो एज इट इज लिखेंगे. फिर ये तो 1 आ चुका, अब इन दोनों को 2 से कर सकते हैं ना, तो 2 से करो. यहाँ पे जब करेंगे तो 1 आ गया, 2 जा बन गया. ठीक है, फिर ये नंबर तो 1 आ चुके, इसको भी 2 से करेंगे तो ये भी आ जाएगा 1, तो 2 से फिर से कर दिया हमने. यहाँ पे 1, ये 1, और फिर से क्या आ जाएगा, 1. तो एलसीएम क्या आ जाएगा हमारा, एलसीएम किसका, 7, 2 और 4, इन तीन नंबर्स का. क्या आया देखो, 7, 2 और 2, ये जो आते हैं इन सबको आपस में क्या करते हैं हम, मल्टीप्लाई. तो 7 टू जा 14, 14 टू जा 28, तो एलसीएम कितना आ गया, 28. जो एलसीएम आता है ना, उससे उस एलसीएम को हम यहाँ पे डिनोमिनेटर में बनाते हैं. ठीक है, तो देखो 7 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 28 बन जाए 4 से, तो हम क्या करेंगे, -3/7 को ऊपर नीचे दोनों साइड 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे. तो 3/4 जा क्या हो गया, 12, 7/4 जा क्या हो गया, 28. फिर दूसरा नंबर देखो -3/2 है, इसको किससे करेंगे, 28 बन जाए 14 से, तो ऊपर नीचे 14 से करेंगे, तो क्या बन गया, 42/28. फिर क्या करें, -3/4 को किससे करें हमारा, कि 28 बन जाए 7 से, तो देखो 7/3 जा 21, 7/4 जा 28. ठीक है, तो तीनों नंबर्स आ चुके हमारे. अब देखिए जो तीनों नंबर्स आए, सबका डिनोमिनेटर तो क्या आ गया, सेम. अब जो नंबर्स हैं वो देख लेते हैं कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा. तो देखिए ये है माइनस का 12, ये है माइनस का 42 और ये है माइनस का 21. अब असेंडिंग ऑर्डर में लगाते टाइम हमें सबसे पहले कौन सा नंबर चाहिए होता है, असेंडिंग में सबसे छोटा. तो देखो सबसे छोटा नंबर, अब क्योंकि ये सारे माइनस वाले हैं तो माइनस में सबसे छोटा कौन होता है, जो एक्चुअल में क्या होता है हमारा दिखने में बड़ा नंबर. तो देखो 42 बड़ा दिख रहा है ना, तो ये क्या नंबर है, सबसे छोटा नंबर है ये वाला. ठीक है, सबसे छोटा है तो क्या नंबर देंगे इसको हम, 1. फिर देखो ये है 21, ये है 12, तो फिर कौन सा आएगा हमारा, 12 नंबर वाला. ये 21 वाला, ये क्या हो गया हमारा दूसरे नंबर पे, और ये क्या आ गया हमारा तीसरे नंबर पे. तो सबसे पहले सबसे छोटा आता है तो हम ये लिखेंगे, और ये कहाँ से आया था, -3/2 से, तो पहले नंबर पे क्या आ जाएगा, -3/2. फिर क्या आ जाएगा हमारा, -3/4, और फिर क्या आ जाएगा हमारा, -3/7. ठीक है, या तो आप करो ऐसे कि आप एलसीएम निकालो ये वो. ठीक है, ये ऐसे सिंपल, या फिर अब इसको ना, ये तो आपको करना तो आपका ऐसे ही है इस वाले मेथड से. मैं एक शॉर्ट ट्रिक बता देती हूँ. देखो यहाँ पे न्यूमिनेटर सबका क्या है, सेम दिख रहा है हमें, तो अगर बड़े वाले नंबर से डिवाइड कर रखा है तो वो नंबर वैसे भी छोटा ही होगा, पता चल रहा है सबको. जैसे मान लो 10 रुपए आपके पास, एक बार तो आपको वो 10 रुपए देने हैं दो बच्चों को, एक बार देने हैं 4 बच्चों में, एक बार देने हैं 7 बच्चों में. तो 2 बच्चों में देंगे तो 5-5 रुपए आएंगे, 4 बच्चों में देंगे अगर हम तो 2.5-2.5 रुपए आ जाएंगे, 2.5 रुपीज. ठीक है, तो वो हमारे रुपीज कम होते चले जाएंगे ना अगर बड़े नंबर से डिवाइड करेंगे तो. तो सेम वही लॉजिक है यहाँ पे भी. तो ये नंबर क्या हो जाएगा, सबसे छोटा, फिर ये उससे बड़ा, फिर ये उससे बड़ा. ठीक है, अब यहाँ पे मैंने उल्टा क्यों कहा बड़ा, क्योंकि हम नेगेटिव में चल रहे हैं. ठीक है, तो नेगेटिव में जो हमारा नंबर दिखने में बड़ा होता है वो एक्चुअल में क्या होता है, सबसे छोटा. ठीक है, तो ये हमारा क्या आ गया यहाँ पे, असेंडिंग ऑर्डर. समझ आ गया सबको. अब नेक्स्ट देख लेते हैं हम. नेक्स्ट हमें क्या करना है, सेकंड पार्ट में भी असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है, तो वो आप खुद से करेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन करा देती हूँ मैं आपको, क्वेश्चन नंबर 7. 7 में क्या करना है हमें, डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना है. तो देखो सेम ऐसा ही है, बस लास्ट में हमें ऑर्डर में चेंज करना है कि हम सबसे पहले क्या लिख देंगे, सबसे बड़े वाला नंबर. ठीक है, तो देखिए डिसेंडिंग ऑर्डर का कर रहे हैं अब एक क्वेश्चन हम. क्वेश्चन नंबर 7 है ये हमारा. 7 का मैं आपको फर्स्ट पार्ट ही करा देती हूँ. इसका भी ये दे रखा है -3/10, -11/20, -7/50 और ये है हमारा 17/-30. ठीक है, ये नंबर्स दे रखे हैं. अब देखो चारों नंबर्स पे कैसा साइन दिख रहा है, माइनस वाला. तो चारों कैसे हैं, नेगेटिव नंबर्स हैं. इतना समझ आ गया सबको. ठीक है, अब देखिए
हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना है, यानी कि हमें ये पता करना है कि कौन सा नंबर बड़ा है कौन सा छोटा। तो सबसे पहले तो क्या समझाया था पिछले क्वेश्चन में, सेम वही काम हम क्या करेंगे, इनका डिनोमिनेटर सेम बनाएंगे। तो डिनोमिनेटर देखो, यहाँ पे है 10, यहाँ पे 20, ये 15, ये 30। तो सेम बनाने के लिए क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम। तो देखो 10, 20, 15 और 30, जितने भी नंबर्स है ना यहाँ पे लिख लो सबको, नीचे वाले। अब इनको डिवाइड कर दो, देखो 10 से डिवाइड करेंगे तो 1 पे, ये 10 टू जा 20, 15 होगा नहीं, ये तो एज इट इज 10, 3 जा 30, ठीक है। फिर 2 से करो इसको, ये तो 1, ये 2 से करेंगे तो 1 हो जाएगा, ये 15 होता नहीं तो ये एज इट इज। फिर 3 से करें इसको, ये 1 एज इट इज, 2 ये 1 एज इट इज, ये 15 को करेंगे तो 5 पे, ये करेंगे तो 1 पे। फिर इसको 5 से कर लेते हैं, 1 1 1 और 1, ठीक है। अब देखो यहाँ से हमने निकाल लिए हमारे सारे, यहाँ पे जब ये 1 1 आ जाता है तो यहीं पे खत्म कर लेते हैं। अब इनका एलसीएम लिखेंगे, एलसीएम किस किस का निकला है हमारा, 10, 20, 15 और 30, ठीक है। आंसर क्या आया देखो, इन सबको क्या करेंगे आपस में मल्टीप्लाई, तो करो मल्टीप्लाई, 10 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, देखो 10 टू जा 20, 20 3 जा 60, 65 जा 300, ठीक है। तो हमारा एलसीएम क्या आ गया, 300। तो हमें बनाना है 300 सबके नीचे। अब 300 बनाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे ये 10 दिख रहा है, 10 को किससे मल्टीप्लाई कर दें कि 300 हो जाए, 30 से। तो हम क्या करते हैं, -3/10 को 30 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ऊपर भी और नीचे भी। तो ऊपर तो क्या बन गया -90/, नीचे क्या आ गया 300, ठीक है। ये तो हो गया फर्स्ट नंबर। फिर देखो -11/20 है, अब इसको किससे करें, 15 से करना पड़ेगा हमें, ठीक है। तो 15 को इससे करेंगे तो देखिए क्या बना, 15 और 1 16, नीचे से क्या आ जाएगा हमारा 300। नेक्स्ट क्या नंबर है हमारा, -7/15, इसको किससे मल्टीप्लाई करें, 20 से करना पड़ेगा। तो देखो 27 जा 140, और नीचे से क्या आ गया हमारा वही 300। नेक्स्ट यहाँ पे कर देती हूँ मैं 17/-30, इसको किससे करना पड़ेगा, 10 से। अब देखो ऊपर तो बन गया 170, नीचे से क्या आ गया 300, और ये माइनस का साइन भी मैं ऊपर ही लगा लेती हूँ, ठीक है। अब देखिए ये हमने नंबर्स को चेंज कर लिया, यहाँ पे 300 है सबके नीचे, सिर्फ ऊपर वाली टर्म देखो, ऊपर है 90, यहाँ पे 165, ये 140 और ये 170। अब सबको पता है कि माइनस में जो नंबर सबसे छोटा होता है वो कौन सा होता है, जो दिखने में सबसे बड़ा हो, ठीक है। तो दिखने में देखो सबसे बड़ा कौन है, 170 वाला, तो ये क्या हो जाएगा सबसे छोटा, तो इसको 1 नंबर दे दिया। अब देखो दूसरे नंबर पे कौन आएगा हमारा, 165 यानी कि 2 ये वाला, ठीक है। थर्ड नंबर पे कौन सा आ जाएगा, 140। फिर कौन सा आ जाएगा फोर्थ नंबर पे, 90 वाला। अब ये जो मैंने 1 नंबर दिया, ये किसको दिया है, सबसे छोटे नंबर को, लेकिन मुझे ऑर्डर कैसा अरेंज करना था, डिसेंडिंग ऑर्डर। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम कि डिसेंडिंग ऑर्डर जो है ना वो नीचे दे रखा है, ठीक है। डिसेंडिंग ऑर्डर इज गिवन बिलो, डिसेंडिंग ऑर्डर नीचे दे रखा है मैंने। अब डिसेंडिंग ऑर्डर लिखते टाइम हम सबसे पहले लिखते हैं सबसे बड़ा, तो सबसे बड़ा कौन है, जो मैंने सबसे लास्ट मैंने जिसको नंबर दिया है, तो क्या लिखा जाएगा सबसे पहले, -3/10। फिर कौन सा लिखेंगे जो थर्ड नंबर पे है, यानी कि -7/15। फिर कौन सा लिखेंगे जो सेकेंड नंबर पे, यानी कि -11/20। फिर कौन सा लिखेंगे यहाँ पे, 17/30, और माइनस ऊपर लगा लो, ठीक है जी। ये हमारा क्या आ गया, डिसेंडिंग ऑर्डर। तो असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर आप आराम से कर सकते हैं, इनको कर लेना अच्छे से। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए।